What's up everyone, welcome back to our new vlog. तो पैर का टाइम है और मील बना रहे हैं। आज हमारी जिम की छुट्टी है। एक्चुअली हम जहाँ जिम जाते हैं वहाँ ट्यूजडे को बंद रहता है और संडे को ओपन रहता है, तो इसलिए अभी वो जिम की छुट्टी है। तो बस डाइट वगैरह पूरी फॉलो हो रही है। बस टेंशन है, आज सुबह उठ के खाएं आलू के पराठे। या मैंने आज चीट मील करी क्योंकि तुमने ही बोला था आज चीट मील भी है। दिखाओ नो चीट मील थी आज कंचन की, तो इसने तो खाए हैं आलू के पराठे बनाए हैं वो भी। और वो भी बताओ कि सुबह कितने बजे उठ के? 8:30 बजे। 9:30 की कम बात थोड़ी है तुम्हारे लिए। आज सवेरे 9:30 तो मम्मी वाली बात कर दी। कंचन सवेरे सवेरे उठ के आलू के पराठे, मैं तो शॉक्ड हो गई यार, ये क्या काम कर दिया आज मैंने। मम्मियों की तरह सवेरे उठ के पराठे कैसे बना लिए मैंने लाइफ में पहली बार। वो देख रहे हो चेंजेस कितने आ रहे हैं। जिम जाने थे तुम सुबह उठ के खुद खाना बनाना लो। ओ माय गॉड कंचन, अब आप जल्दी खा लेते हैं है ना। प्रॉब्लम ये है जल्दी खा लेते हैं तो रात को ना मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी कल रात को। वो सब ठीक है, भूख लगना जल्दी खा लेते हैं वो सब ठीक है। नाउ जो सुबह उठ के तो इतने 9:30 वाले पराठे, ये तो बहुत शॉकिंग बात है यार। यस, लाइफ तो बदल रही है यार, जिम करके इतना हेल्दी फील होता है, आप क्या ही बताऊं। बस मैं बहुत कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। सो ये हमने ना एक्चुअली 2 दूध के पैकेट मंगाए थे बेच करके, ये ना 2 रुपए के रख दिया था। बस इसके ऊपर ना मलाई आने का, ठंडे होने के लिए रख दिए थे, मलाई आने का वेट कर रहे हैं। आई गई ऑलमोस्ट, तो ये मलाई इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो क्या ना वो फैट फेंकनी नहीं है। हाँ फेंकने को नहीं कर रहा, निकाल के रख लेना, तो उसमें क्या है ये फैट थोड़ा कम हो जाएगा, निकल जाएगा फैट। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे फिर उबालेंगे, फिर नींबू निचोड़ेंगे, फिर इसका बनाएंगे पनीर। क्योंकि बाहर वाले पनीर में फैट बहुत ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा सही है, थोड़ा फैट इसमें कम रहेगा। ये किसके लिए है इतने प्याज? ये तो उसके लिए है। पनीर को ठीक है। हाँ, पनीर पनीर ना बना आधा आधा बटेगा। हाँ, ठीक है, तुम अपने हिसाब से बनाना क्योंकि मैं तो सारी वेजेस डालूंगा उसमें, मेरी जो सैलेड की होती है। प्याज टमाटर का, प्याज टमाटर तो होगा वो तो मेरी वेजेस में भी होता है। तुम अपनी वेजेस देख लेना, उनको फिर डाल दो। टास्क आंटी हमारी अब कहाँ रख गई यार, चॉपर कटर कुटर सारा कुछ यार। सॉरी, दो भाड़ने का प्रोग्राम हो चुका है शुरू। मैं कहती नींबू हमारे पास पहले विनेगर होता था, विनेगर से ज्यादा इजी लगता था। हाँ, नींबू मेरे से ज्यादा डलते हैं। नींबू कोई ना, नींबू तो बहुत सारे पड़े हैं, विनेगर तो है नहीं। ये सब तो अपने पास बहुत टाइम पहले होता था, या बनाते थे याद है, फ्राइड नूडल्स फेंक दिए मैंने, वो ओल्ड हो गए थे, सबकी डेट निकल गई। हाँ, एक्सपायरी खाना ही बंद कर दिया था। सो ये बन रहा है, तड़का लग रहा है पनीर भुर्जी का। यहाँ पे बस पनीर बन जाए जल्दी से। ये वाला दूध तो फट गया है, वो वाला कितना बनता है। सही बना है। 140 इस तरह ना पास में। मैं कह 140 तो इसका वेट है ये प्लेट का। ऑलमोस्ट 180 ग्राम। 180 ग्राम सही है। 80 रुपए का हमको बाहर से 250 ग्राम नहीं होता, वो शायद 400 ग्राम होता है शायद। 400 हाँ 400 होता है ना या 200 होता पता नहीं मुझे यार। चलो जो भी होता है, लेकिन उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो इतना लो फैट पनीर। हाँ, ये लो फैट पनीर है, चेहरे पे ग्लो भी आ रहा है धीरे धीरे, ऐसे लग रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं थोड़ी सी टेंस हो गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जो फेस पे ग्लो था ना वो थोड़ा सा चला गया है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नींद नहीं ढंग से पूरी हो रही थी मेरी, इस वजह से थोड़ा सा फेस डल सा लग रहा था। सो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। सो कुछ बर्तन वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना हमारी जो नमकदानी थी ना उसके अंदर छोटे छोटे से ना लाल मिर्ची के अंदर कीड़े से आ गए थे। कीड़े से हो गए थे, तो इसलिए ना हम लोग ना नमकदानी देखने के लिए जा रहे हैं। स्टील वाली लेंगे, एक्चुअली जो हमारी प्लास्टिक की है नमकदानी ना, और वो बिल्कुल ना रेड वाइन कलर की है, तो इसमें ना हमको दिखता भी नहीं अगर कुछ हो जाए तो। ये तो आज मेरे को दिख गए कीड़े, ठीक है। तो इसलिए ना कढ़ाई देख लेंगे, स्टील की एक आधी कढ़ाई स्टील की। तुम ही बोल रहे थे ना
हाँ कढ़ाइयाँ भी हमारी सारी खराब हो गई है, उसका नॉनस्टिक वाला जो पैन था ना उसका वो हो चुका है काफी ना, उतर चुका है जा रहे तो हाँ देख लेंगे। चलो गाइस फिर अभी हम लोग बस जा रहे हैं नमक दाने वगैरह स्टील की लेने के लिए और बाकी थोड़ा वो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे 24/7 था वो बंद हो गया है क्योंकि दिल्ली गए थे, मैंने इंस्टा पे देखा था सारे आउटलेट्स वगैरह जो भी है ना सारे के सारे रात बंद हो चुके हैं 24/7 के। तो अभी रात को 24/7 से कुछ भी कभी सडन मतलब इमिडिएटली बाय करना हो तो नहीं कर सकते, बट कुछ और भी है शायद अभी जीरकपुर है ना बहुत कुछ ओपन हो गया अभी तो फिलहाल है ना। सो जी बस निकल गए हैं, रास्ते में है हम लोग। मसाला धनी बोलते हैं हाँ, पूरा नमक तो नमक अच्छा, नमक ये जैसे हमारा उस पे था हाँ, ये बड़े वाला है। अरे वो देखो कढ़ाइयाँ इधर पड़ी हैं, ये तो वो स्टील ऊपर अरे यार वो चाउमीन थोड़ी खाता हूँ मैं, छोड़ दिया मैंने वो शौक सारे देख लो। वो तो आ गया इनमें बनता है खाना अच्छा प्रॉपर ना प्रॉपर होगा ना देखते हैं। तुम पहन के देखो ना, चल के देख लो ना डिजाइन तो अच्छा लग रहा है, वो तुम चल के देख लो ना पता चल जाएगा। तुम चुप रहे क्या, देखो तुमको वहम ही होगा बाद में, तुमको बाद में वहम ही होगा, इससे अच्छा प्लेन ही देख लो ऐसे। उसमें क्या नहीं वो अच्छी सही नहीं लग रही है वाली, वो तो ही करो वो वाली देख लो एक अभी। देख लो बड़ी अच्छी लग रही है देख लो तुम बताओ। नॉर्मल घर के लिए चाहिए ना, ठीक है फिर तो ये साइज सही है। बस ठीक है फिर, कलर तो मिल जाएगा ठीक है इसीलिए ले दोनों। तो गाइस हम लोग लेने के लिए आए थे जो मसाला दानी वो तो अभी मिली नहीं, जो मिली ना यहाँ पे वो थी क्या कहते हैं काफी ज्यादा बड़ी थी, इतनी डूंगी इतनी बड़ी बड़ी वाली थी कि मसाले उसके अंदर ज्यादा फिर वो ऐड करने पड़ते। हमको ना इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए थोड़ी छोटी सी या मीडियम साइज की नॉर्मल साइज की मिल जाए जो होती है एक्चुअली में। हाँ नमक दानी नमक दानी बोलने में लग गई उसको, बचपन से बोले ही हमने यही है सब घर वाले भी यही बोलते हैं नून दानी के। हाँ 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 मैं नमक दानी भी लगी हुई है, तो अभी फिर देखते हैं कल या फिर देखते।
सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा हम लोग वहाँ चले जाएंगे, डी मार्ट वगैरह में देख लेंगे, फिर वहाँ तो मिल ही जाएगी। यहाँ पे तो छोटी वाली मिली नहीं, उन्होंने इतनी देर हमको वेट भी कराया, वो लोग ढूंढ रहे थे, फिर उनको मिली नहीं, छोटे वाली थी उनके पास, थी मिली थी उनको, लेकिन उसमें वो कांच का था, फिर ट्रांसपेरेंट था, प्लास्टिक था, ओके मुझे लगा कांच था। चप्पलें एक्चुअली टूट चुकी थी, हाँ चप्पलें ली हैं अभी, वो भी लेने वाली थी, वो भी हमको मिल गई। हमने कल एक्चुअली ऑनलाइन देख रहे हैं अमेजोन, उससे तो बहुत सस्ते मिल गए, अमेजोन पे भी मेरे को लगता है सबसे सस्ता है अमेजोन होता है, लेकिन उससे भी सही रेट पे हमको यहाँ पे एक शॉप मिल गई, बढ़िया मिल गया सर, अच्छी मिल गई हमको ना, सही रेट में रेगुलर वियर की। जब तक ना मैं ऐसे ये पतले स्टेप वाली चप्पल पहन के ना मतलब चलू ना, तब तक नहीं, जितना मर्जी क्रॉक्स पहन लो, लेकिन एक्चुअली जो मजा आता है वो इन्हीं वाली स्टेप वाली चप्पल में ही आता है, जो बचपन से पहन के घूमते हैं ना, बचपन में तो वो होती थी, कौन सी वाली हवाई चप्पल बोलते थे ना उसे, हवाई तो मेरी टूट गई थी इतने साल से, चार साल से मैं एक ही चप्पल चला रही थी, पता है, क्योंकि मेरे को वो चप्पल बहुत ज्यादा पसंद थी, इस वजह से मैं यही घिसाऊंगी, घिसती गई घिसती गई घिसती गई। सो बस अभी फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, क्योंकि अब हमारा डाइट का सामान हो रहा, सॉरी हाँ डाइट का वो क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है, मैं नारियल पानी देखने लगी थी, मेरा माइंड वही डाइवर्ट हो गया था, मैं सोच रही थी पी ना लेते हैं नारियल पानी, अभी पीछे चला गया भैया, लेट बहुत निकले थे ना हम, बारिश हो रही थी ना मॉर्निंग में, तो इतना अच्छा वेदर था यार, इतनी तेज बारिश हो रही थी, हमें लगा आज तो फुल डे ऐसा ही जाएगा, एक घंटे बाद उसके एकदम से इतनी तेज धूप निकली ना, हम दोनों तो शॉक्ड हो गए, भाई ये क्या मौसम कैसे बदल गया। और हमको एक तो शोरूम और जाना ही था कपड़े वगैरह देखने के लिए भी, लेकिन फिर टाइम कम है तो इसलिए कल चलेंगे, टाइम पे निकलेंगे, चार पाँच बजे आएंगे ना फिर, हाँ कल टाइम से आ जाएंगे आफ्टर वर्क। ओके चलो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सो गाइस घर आ चुके हैं अभी हम लोग, और चाबी क्या कहते हैं, आज पार्किंग मिली नहीं जहाँ पे राजवीर गाड़ी लगाते हैं, तो अभी बाइक की चाबी मैंने लिफ्ट में रख के भेजी है, तो वहां से फिर उन्होंने पिक कर लेनी है, देन फिर गाड़ी अपनी पार्क करके फिर आएंगे। और कपड़े वगैरह वॉश किए थे आज, अभी बाहर वो देखो खिल रहे हुए, वो अभी उतारती हूँ, बस पानी पीती हूँ, पानी की बोतल भी नहीं लेके गए थे यार आज, तो प्यास लग जाती है और भूल गए बस आज हम ना।